आज मैं थाना शाजापुर क्षेत्र के द्वार की माँ शीतला के प्रांगण में महंत जी से कुछ प्राचीन मंदिर के बारे में और माँ शीतला की कृपा के बारे में जानना चाहता हूँ। महाराज जी बताएं, आप जो प्राचीन मंदिर है और माँ शीतला की महिमा है, उनके बारे में आप थोड़ा प्रकट करें, अपना विचार व्यक्त करें। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, सर्वेश्वरी माँ शीतला माता, ये अनादि काल से आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा इनको प्रतिष्ठित किया गया था। ये बताते हैं कि कई पीढ़ियों से यहाँ पे शीतला माता की दिन सोमवार के दिन प्रतिदिन यहाँ पे मेला लगता है, भंडारा इत्यादि भी होता है। और यहाँ पे बताते हैं कि पूर्व ऐसा यहाँ का वृत्तांत है कि यहाँ पे एक गाय चराने वाले सेठ जी भ्रमण कर रहे थे, कुछ खाद्य सामग्री इत्यादि लिए थे, रात्रि में विश्राम करने के लिए यहाँ रुक गए। उसी समय उन्होंने विचार किया कि हम जो सामान लिए हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मंदिर निर्माण कराएंगे। तो प्रातःकाल होते ही उनकी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण हुई और उन्होंने माँ शीतला माता का यहाँ पर निर्माण कराया। निर्माण कराने के बाद यहाँ पर क्षेत्र में जो जनमानस में ये स्थान बसा हुआ है, सभी यहाँ पर सोमवार के दिन आकर के दर्शनार्थी दर्शन लाभ लेते हैं। और यहाँ पे मन व्यक्ति का शांत होने के लिए ही शीतला माता का नाम, व्यक्ति कोई कितना भी असहाय कितना भी परेशान हो, यहाँ इनकी शरण में आने के बाद व्यक्ति के मन में शीतलता अपने आप प्रदान होती है। यहाँ प्रत्यक्ष हम ही यहाँ विराजमान हैं, ये निम्बार्क पीठ के नाम से अपना ये स्थान है। सन 97 में इस स्थान को हमारे पूज्य महाराज श्री के द्वारा निर्माण कराया गया और आज भी स्थान पे दशावतार एवं सर्वेश्वरी शीतला माता की प्रतिष्ठा यहाँ भी कराई गई है। दर्शन लाभ लेने के लिए सभी यात्री लोग आते हैं। इनकी भक्तों की इच्छा ऐसी मनोकामना रहती है कि यहाँ पे जो भी आए सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। तो यही अपेक्षा रखते हैं कि सभी क्षेत्रवासी आस्था प्रेम से यहाँ आते रहें और स्थान को जागृत करते रहें। जय श्री राधे। देख रहे थे महंत जी के बारे में, महंत जी ने जो बताया कि इधर एक सेठ जी आए तो उनके द्वारा प्राचीन काल में जो मंदिर का निर्माण कराया गया उसके बारे में अभी महंत जी बता रहे थे। इसके लिए मैं महंत जी को बहुत बहुत बधाई।